फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ लौकी की बेल के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। लौकी की बेल सीड्स से ग्रो होती हैं। इसके सीड्स को आप रात भर पानी में भिगो दें, सुबह आप मिट्टी में गाड़ दें। 10-15 दिन में बीज ग्रो हो जाएगा और फिर वो इस तरह से बेल हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने क्यारी में लगा रखा है। देखिए, ये मेरी क्यारी है। क्यारी में देखो, ये ग्रो हो रही है मेरी, और देखो इस पर लौकी भी आ रही है। ये देखिए, लौकी भी आ रही है। छोटी सी बेल पर ही लौकी आ रही है, ये देखिए। सबसे पहले बेलों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने देखिए बहुत पतला सा बारीक तार बांध रखा है, जिससे ये मेरी बेल ऊपर तक चढ़ती चली जाएगी। अब इसमें सबसे उसके बाद हमें इसकी खाद की बहुत ज़रूरत है। इसमें खाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम नीम की जो खल आती है, नीम की हो या सरसों की खल हो, खल को आप रात भर भिगो दो। उसके बाद उस खल को आप 2-3 दिन बाद, थोड़ी सी खल लेनी है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, और उसे आधी बाल्टी पानी में डालकर, इसमें पानी में डालकर आप अपनी क्यारी में दे दो, यानी कि लौकी की बेल पर दे दो, जिससे आपकी लौकी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। इसका फल सड़ेगा भी नहीं, और सड़कर जो गिर जाते हैं वो भी नहीं गिरेगा। देखिए, ये मेरा फीमेल, ये वाला जो फूल है ये मेरा मेल वाला फूल है। अभी इसमें फीमेल नहीं आ रहा, मेल फीमेल है। इसमें दो तरह के फूल होते हैं, मेल और फीमेल, जिसमें पहले फूल लगता है, जैसे ये मेल है, और जिसमें पहले फल और उसके बाद यहाँ पर फल होगा और ये फूल होगा, वो फीमेल होता है। इसलिए आप सभी लोग अपनी लौकी पर फर्टिलाइज़र का प्रयोग अवश्य करें। और मैं आपसे एक बात ये कहना अवश्य चाहूँगी कि आप ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करें। बाज़ार से लाकर कोई भी खाद, कोई भी केमिकल वाली खाद कोई भी अपने प्लांट्स पर ना डालें। केमिकल वाली खाद हमारे पौधों को बहुत नुकसान देती है, जिससे हम उसके फल जो खाएंगे वो हमें भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होगी। इसलिए आप सभी फ्रेंड्स अपने घर में ऑर्गेनिक किचन की वेस्ट, जो सब्जियां छिलके बचे होते हैं, उनसे खाद तैयार करें और अपने किसी भी प्लांट्स पर दें। उससे आपकी प्लांट्स की ग्रो बहुत ही बढ़िया होगी, उसके पत्ते भी बहुत हेल्दी होंगे। देखिए कितने हेल्दी पत्ते हैं मेरे, ये देखिए आप कितने हेल्दी पत्ते हैं। इस तरह से आपके भी पत्ते बहुत हेल्दी, उसमें बहुत छोटी बेल में भी फल मिल जाएंगे। आप देखिए इस तरह से मेरी कई बेलें आ रही हैं। देखिए, अब मैं आपसे और भी बातें शेयर करूंगी। ये मेरी काशी फल की बेल है, ये देखिए, ये भी मेरी काशी फल की बेल है, और इस पे देखिए बहुत छोटा सा काशी फल भी आ रहा है। ये देखिए, दिख रहा होगा, ये जो है राउंड जो है ये काशी फल है। तो इसी तरह से मैं अपनी सभी प्लांट्स में, देखिए ये मेरे सभी प्लांट्स हैं, मैं अपने सभी प्लांट्स में ऑर्गेनिक खाद ही देती हूँ। सब्जियों का जितना भी वेस्ट, छिलके, आलू के छिलके, चावल का पानी, ये सब चीज़ें ही मैं देती हूँ, जिससे मेरे सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप सब भी अपने अपने प्लांट्स पर ये ही चीज़ें डालें, जिससे आपके प्लांट्स भी बहुत हेल्दी होंगे और उन्हें देखकर आपका मन भी बहुत खुश होगा। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।